नमस्कार सुप्रभात प्रथम खबर सहित मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करिबा हेडलाइंस रो आजि छु इंडोनेशिया राजधानी बाली रे दुदिनिया G20 शिखर सम्मेलन विश्व नेतृत्वक सह बैठक रे जोग देबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न अंतर्जातीय प्रसंग रे आलोचना संध्या रे प्रवासी भारतीयक द्वारा आयोजित कार्यक्रम रे शामिल हेबे मोदी नवदास को बयान बनाम पद्मपुरवासी 22 वर्षर विकास नारा को प्रत्याख्यान कले पद्मपुरवासी शिक्षा स्वास्थ्य कृषि पीवा पानी सबुतिर सफलता दाबी उपरे लोकंक प्रश्नचिन्ह जिला मान्यता दाबी प्रसंग रे ब्याकफुट रे बिजली ओडिशा चिटफंड दुर्नीति मामलें सुप्रीम कोर्ट रे सुनाणी गौरव अग्रवाल को आमिक्यस क्यूरी नियुक्ति कले सर्वोच्च अदालत सेपटे काउंटर आफिडेविट दाखल पाई सीबीआई मागिला 2 सप्ताह समय ओडिशा आईनजीवी कोर्ट बर्जन मामलें कठोर हेले सुप्रीम कोर्ट आसंता काली सुधा आंदोलन प्रत्याहृत नहले लाइसेंस सस्पेंड करने को निर्देश लोके न्याय पाइबार वंचित हेले आयर उत्स को बंद करने को चेतावनी अर्गस रे खबर प्रसारण परे प्रभाव नवंबर 21 रु खोलिबो बरगड़ जिलार सबु मंडी बरगड़ जिलापाल को राज्य खाद्य जोगाण विभाग पक्षर चिठी समवाय समिति स्वयं सहायक गोष्ठी एवं मिलर्स को प्रस्तुत रहिबाकु निर्देश एवं वर्षा छाड़ा पर कोरापुट को होई शीतर आगमन प्राकृतिक सौंदर्य आकर्षण में पर्यटक एवं कोरापुट मुहा ओडिशार कश्मीर में शीतुआ सकाल मजा ने लोके संपूर्ण खबर को आसीबा आज इंडोनेशिया राजधानी बाली रे दुईदिनिया G20 शिखर सम्मेलन अन्य विश्व नेतृत्व बैठक में जोग देवाको बाली रे पहुंची भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में विश्व महाशक्ति यथा चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक एवं फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोन प्रमुख मध्य जोग देबे यूक्रेन युद्ध खाद्य और शक्ति निरापत्ता अंतर्जातीय विकास को पुनर्जीवित करिबा परिवार परिवार स्वास्थ्य भली प्रसंग रे बैठक रे आलोचना करा जिबो विश्व रे भली किछि गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे प्रधानमंत्री मोदी निजर अभिभाषण रखिबार सूचना रहिछि G20 शिखर सम्मेलन बाद विश्व अन्य नेतामानकर मध्य प्रधानमंत्री द्विपाक्षिक आलोचना करिबार कार्यक्रम रहिछि सेपरि आज संध्यारे बाली रे प्रवासी भारतीय मानक द्वारा आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम रे मध्य प्रधानमंत्री जोग देबे बोली जणा पडिछि G20 शिखर सम्मेलन में भाग नेबा सोमवार इंडोनेशिया बाली रे पहुंची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली रे प्राय 45 घंटार यह रहणी काल में प्रधानमंत्री विभिन्न राष्ट्र मुख्यों सहित आलोचना करेंगे बाली हेउछि इंडोनेशिया से ही द्वीप जहार भारत एवं ओडिशार संपर्क बहु प्राचीन इंडोनेशिया रे पृथ्वीर सर्वाधिक मुसलमान बास करती किंतु बाली रो जनसंख्यार 84% होती हिंदू से प्रधानमंत्री मोदी यह गस्त को नहीं बेसी उत्साहित इंडोनेशिया रे रहुथिबा प्रवासी भारतीय सोमवार इंडोनेशिया समय राति 11:30 बाली विमान बंदर रे पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी टिके झलक पाइबापी विमान बंदर बाहर रुंड होते हजार हजार प्रवासी भारतीय आ प्रधानमंत्री भी सेमानंकु निराश कर हाथ जोड़ी सेमानंक अभिवादन को सादर ग्रहण करथिले प्रवासी भारतीयों पाखरे किछि समय अटकी कथा होते प्रधानमंत्री एक खास अंदाज बाली विमान बंदर बाहर भिड़ जमाई प्रवासी भारतीयों गदगद कर G20 शिखर सम्मेलन पर इंडोनेशिया बाली जा प्रधानमंत्री 45 घंटार यह रहणी भितर विश्वर अनेक प्रमुख नेता भेटी द्विपाक्षिक आलोचना करेंगे पीएम
ଏଥିସହ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସମୟ ବାହାର କରିବେ ମୋଦି। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେଠାରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ପିଏମ୍ ମୋଦି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉତ୍ସାହ କହିଲେ ନ ସରେ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ସେମାନେ ଆସି ବାଲିରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ଓଡ଼ିଶା ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା। सबके सामने परफॉर्म करना, इंडियन कल्चर को दिखाना, और हमने कुछ कोशिश किया है। एज अ कोरियोग्राफर आई एम हियर फॉर दिस इवेंट एंड आई ट्राई टू इंक्लूड इंडोनेशियन डांस, इंडियन डांस, बॉलीवुड डांस, देन ऑल्सो सम फोक मूवमेंट, सम क्रिएटिव मूवमेंट। सो लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अमलगमेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंसेस। ऑल्सो वी लाइक कोरियोग्राफ्ड विथ योगा। हमारे देश की आन सम्मान हमारे प्रधानमंत्री बाली आ रहे हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं उनको विजिट को लेके। हम कल यहाँ पे सब उनका स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। वो इनका दूसरा विजिट है, पहले लास्ट टाइम वो जकार्ता आए थे तब भी हमें ये सम्मान मिला था, और ये सम्मान दोबारा पाके हम बहुत खुश हैं और बहुत हर्षा से हम उनका कल इंतजार करेंगे। दो दिन से आए हैं बिकॉज वी ऑल सो एक्साइटेड। वी विल एंजॉय हिज विजिट एंड वी विल बी, इट्स अ प्राइड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस इन जकार्ता एंड इंडोनेशिया। थैंक यू मोदी जी। पिछली बार जब मोदी जी यहाँ आए थे तब उनका स्वागत करने का मौका मिला था। इस बार G20 का दिसंबर से भारत यजमान बनेगा, उसकी वजह से मोदी जी का यहाँ का विजिट और इम्पोर्टेंट होगा, और वो कम्युनिटी के साथ भी वक्त, उसमें उनके छोटे से शेड्यूल में वो कम्युनिटी के साथ भी वक्त गुजारना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଦେଶ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 27.5 କୋଟି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 87% ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ମୁସଲିମ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ 10% ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରହୁଥିବା ବେଳେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1.6%। ସେହିପରି ଏଠାରେ 0.7% ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମଧ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି। ତେବେ ବାଲି ଦ୍ୱୀପରେ ହିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ। ଏଠାରେ ମୋଟ 43 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 84% ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ। ବାଲିରେ ପ୍ରାୟ 2000 ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବହୁ ମନ୍ଦିର 500,000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଇତିହାସରୁ ଜଣାପଡ଼େ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର 2ଟି ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ହିନ୍ଦୁ ଓ ବୌଦ୍ଧ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଲୋକେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଆପଣାଇଥିଲେ, ହେଲେ ବାଲି ଅଧିବାସୀ ନିଜ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ। ବାଲି ସହ ଭାରତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପର୍କ ବହୁ ପୁରୁଣା। ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଶା ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବୋଇତରେ ବାଲି ଦ୍ୱୀପକୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଆଉ ସେହି ବାଲିକୁ ସାଧବ ପୁଅଙ୍କ ନୌଯାତ୍ରାର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥାଉ, ଆଉ ସେହି ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। इंडोनेशिया के बाली की यात्रा सैकड़ों वर्ष पूर्व उड़ीसा के महान नाविक कटक से निकलकर ही जावा, सुमात्रा और बोर्नियो तक आते थे। आज भी हर साल अक्टूबर नवंबर में उड़ीसा में बाली यात्रा का बहुत ही शानदार, बहुत ही धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। एबे कटकर विश्व प्रसिद्ध बाली यात्रा चलता बेले प्रधानमंत्री मोदी बाली गस्त भारत एवं ओडिशा सह बाली द्वीपर संपर्क को पुणि थरे उज्जीवित कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। नवदास को बयान बनाम पद्मपुरवासी 22 वर्षर विकास नारा को ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ପଦ୍ମପୁରବାସୀ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ପିଇବା ପାଣି ସବୁଥିରେ ସଫଳତା ଦାବି ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ। ପଦ୍ମପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ବିଜେଡି। ଗମନାଗମନ, ପିଇବା ପାଣି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର ୱାନ୍। ସରକାର ଘର ଘର ପାଣି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ତ ଆମର ଲାଗି ତ ପାଣି ନେଇ ହେବାର ତାରି। ଯଦି କେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ସିଧା ରେଫର କରି ଦିଆଯାଉଛେ, ନ ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ। ଯଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିଲେ ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେ ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ଜଳସେଚନ ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ମଞ୍ଜି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ସାର ପାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ବିକ୍ରି ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। ନବ ଦାସ ବନାମ ପିପୁଲ ଅଫ ପଦ୍ମପୁର। ପଦ୍ମପୁରରେ 22 ବର୍ଷର ବିକାଶ ନାରାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ।
शिक्षा स्वास्थ्य कृषि पीवा पानी सबुथिरे फेल स्वास्थ्य मंत्री फुटाणी बनाम ग्राउंड जीरो रो कहानी बाकी समस्या कथा छाड़ंतु नवदास निजे स्वास्थ्य मंत्री से कौन जानी नहांती जिलार सरकारी डाक्तरखाना रे केते डाक्तर पदवी खाली पड़ी पाइकमाला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अवस्था बकाणी साधारण जनता यही भावे कौन स्वास्थ्य रे ओडिशा नंबर वन गमनागमन पीवा पानी इलेक्ट्रिसिटी स्वास्थ्य आपण देखंतु ओडिशा नंबर वन तेणु एति कौन सफिसीयंट नुह नवीन पट्टनायक ना पेसेंट बहुत हैरान होचन जदि केन एक्सीडेंट हेले सीधा रेफर कर दिया जाउचे नो डॉक्टर न थिवारु बहुत प्रॉब्लम होउचे केते बेले जदि एम्बुलेंस डाकले भी एम्बुलेंस व्यवस्था ठीक से ही नहीं पारबार एक्सीडेंट हेले से पेसेंट त माने मरि भी जाउचन निजर पर्सनल गाड़ी रे जाउचन बरगड़ जिला को कहा जाए ओडिशा रा भात हांडी अर्थात एही जिलार चासी सबुठू सुखरे रहिबा कथा ताहाले जिलार पद्मपुर निर्वाचन मंडली रा चासी काहेकि दीर्घ दिन धरि धारणा रे बसी छंती पद्मपुर जिते गुडे ब्लॉक अछि उपखंड रे सबु ब्लॉक रे जदि आपण विश्लेषण करबे 18% रो अधिक जलसेचन नै न जलसेचन हेइ नै परबार मंजी ठीक समय रे पाइ नै परबार सार पाइ नै परबार धान उत्पादन कले बिक्री पाइ हेइ नै परबार जेन कृषि यंत्रपाति अछि सेटा बाटमारण होउ जे ताले आंदोलन हेबा त काण हेबा देखंतु ओडिशा नंबर 1 मंत्री नवदास क भाषा रे सबु क्षेत्र रे ओडिशा नंबर 1 पद्मपुर कण ओडिशा रे आसुनि कि ताले पीबा पानी पाइ काहे के ढहळ बिकळ हेउछंती पाइकमाला ब्लॉक सालेपाली गार बा माने ताकि बहुत असुविधा होउछु आमे बांडुरी डेगी डेगी कर पान खौछु दिने कर पान के दुई दिन कर खौछु आमे पानी लागि पूरा केतनी केते असुविधा होउछु ठंडा मासे गरम पान खौछु आर गरम मासे ठंडा पान सरकार घर घर पान जुगो छन त आमर लागि त पान नै हेबार तारी आज्ञा पीबार पानी कथा जदि पद्मपुर सब डिविजन रे न कहबा भल ए वर्ष खरा मास रे आपण देखु प्रत्येक वर्ष लोक माने स्त्री लोक गुडा को रास्ता रे माठिया ताकर ये सब दरे के अवरोध करन खाली पानी पीबार समस्या हो जे पद्मपुर सब नवदास कहबे अर्थमंत्री कहबे सब कहबे ता जहा कहबे वर्तमान सब बाय इलेक्शन को आखे रखे कर समान मित पद्मपुर को जिला मान्यता देबा नै दीर्घ वर्ष धरि दाबी होई आसुछि इने बारंबार आंदोलन भी होई पूर्वरु पद्मपुर बुद्धिजीवी को मुख्यमंत्री प्रतिश्रुति भी दे 2019-2022 किछि कलेनी बाहागर बेले बाइगणरु आपरी पुणी मुख्यमंत्री सह आलोचनार कथा कहउछंती शासक दल नेता 2019 मसीह आमर क्रियानुष्ठान कमिटी जाइला मुख्यमंत्री सह आलोचना होता मुख्यमंत्री आमको प्रतिश्रुति भी देते जे बहुत शीघ्र तार मैंने जिला है पद्मपुर बोलकर किंतु वर्तमान सुधा से जिलार कौन सी आम ना से प्रतिश्रुति रहा से प्रतिश्रुति प्रतिश्रुति हिसाब से रहीगला तो से बोलकर आप देखुन आज पद्मपुर बोलकर नहीं सारा पद्मपुर सब डिजन सारा अंचल सारा गाँ गहली सब जगह यही जिलार आंदोलन बर्तमान मुंड टेक उठी मंत्री नवदास चित्कार कर कहले 22 वर्षर विकास कथा किंतु ग्राउंड जीरो रे एही बयान को प्रत्याख्यान करिछंती पद्मपुर विधानसभा रा विभिन्न अंचल रा बासिंदा पद्मपुर रो युधिष्ठिर पटेल का सह सुरेंद्र बारिक का रिपोर्ट अर्गस न्यूज ओडिशा चिटफंड दुर्नीति मामला रे सुप्रीम कोर्ट रे सुनानी मामला रे आमिकस क्यूरी नियुक्ति कले सर्वोच्च अदालत वरिष्ठ आईनजीवी गौरव अग्रवाल को आमिकस क्यूरी भाबे नियुक्ति देले कोर्ट सोमवार ओडिशा चिटफंड दुर्नीति मामला रे सुप्रीम कोर्ट सुनानी करी आमिकस क्यूरी नियुक्ति करिसेंती वर्तमान पर्यंत जमाकारी माने निजर कष्ट अर्जित धन फेरी पाइ नथिबा बेले आमिकस क्यूरी नियुक्ति सेमानक मनरे आशा संचार करिछि आसंता डिसेंबर 1 रे मामलार परवर्ती सुनानी हेबो सेबडे मामलारे काउंटर आफिडेविट दाखल करबाकु सीबीआई 2 सप्ताह समय मागिछि 25 तारीख मध्यरे एही काउंटर आफिडेविट दाखल करबाकु कोर्ट निर्देश देथिबा जणा पडिछि जो टाइम रे हेइतला सेही टाइम रे चिटफंड पैसा ही इलेक्शन हेइतला तो माने चिटफंड पैसा लोकों को पैसा रे से कंपनी चिटफंड स्कैम पैसा रे से 21 जण एमपीएल एमपी से संपर्कित अछन्ति आ त सहित नवीन पट्टनायक जोड़े लिखिंट कि 8 डिजिट गोटे चेक देखते कि यहाँ तो 8 डिजिट चेक मैंने दुनिया ना आम ओडिशा तो ना कि 5-6 नंबर डिजिट चेक नंबर अच्छे कि 8 डिजिट चेक नंबर देखते तो से बाबद भी मुझे प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर को लिखिकी पठेली कि यही 21 जन अच्छा 21 जन ना भी लिखी से 21 जन एमएलए एमपी जो कैंडिडेट सब 2014 थे दिखाई पैसा से ही अकाउंट नंबर भी पठे आउ गोटे आउ जे
ओडिशा आईनजीवी कोर्ट बर्जन मामलें कठोर हेले सुप्रीमकोर्ट बुधवार सुधा आंदोलन प्रत्याहृत नहले बार कनेक्शन ऑफ इंडिया को लाइसेंस सस्पेंड निर्देश जदि लोके न्याय पाइबारु वंचित होउछंती तेबे आपणंकर आयर उत्स को बंद कर दिया बोली कहले कोर्ट। वर्तमान सुधा कोर्टर अनेक बहुमूल्य समय नष्ट 214176 घंटा समय नष्ट होइतिबा कोर्ट को अवगत करा जाइतिला। बेंच दाबी करी दीर्घ दिन आंदोलन करी कार्यरे जोग नदेबा युक्तियुक्त नुहे बोली कोर्ट टिप्पणी करिछंती। प्रथम दिन चला समस्या, द्वितीय दिन चला समाधान। गोटे समस्या को समाधान करने विभिन्न प्रकार रास्ता अच्छी, ता माने नुजे आमे कोर्ट बर्जन करिबा, आमे स्ट्राइक रे रहिबा, धर्मघट करिबा, एथिरे गोटे जिनस असुविधा होती जोटा माननीय सुप्रीम कोर्ट उद्बोध करछंती केवल जनसाधारण हईराण होउछंती, कोर्टर अजथा समय नष्ट होउछि। आम पाखे समस्या अच्छी, ठीक अच्छे, समाधान पर बहुत किसी रास्ता अच्छे, धर्मघट करवा, कोर्ट बर्जन करवा, यहाँ ठीक रास्ता नुह बोली यहाँ मोर निजस्व मत। जो आप माननीय उच्चतम न्यायालय कहते सेटा आम एकमत नई आम कौन लोकर कार्य बाधा सृष्टि करने को चाहूना कि न्याय प्रदान में कौन प्रकार असुविधा न हो, जेहेतु लोक मान पब्लिक कोर्टा हो तेणुक आम कि कहार असुविधा ना जो उकल मान कौन असुविधा होटा आपण मान जरिया आम आपको कहचु आपटा जनातु उकल मान समस्त सुविधा असुविधा। अर्गसरे खबर प्रसारण प्रभाव नवेम्बर 21 रु खोल बरगड़ जिलार सब् मंडी राज्य खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग पक्षर् बरगड़ जिलापा एने चिठी कर आगर केवल नवेम्बर 25 रे अतावीरा मंडी खोलने निष्पत्ति एवं बरगड़ जिलार समस्त मंडी 21 तारीख खोल को निष्पत्ति नवेम्बर 21 रु बरगड़ और 22 रु संबलपुर मंडी खोल को निर्देश दि जाए। जिले में धान किणारे नियोजित होता समवाय समिति स्वयं सहायक गोष्ठी आदि प्रस्तुत रहा निर्देश रही है। किपरी मंडी शीघ्र धान उठब मिलर्स मैंने एने ध्यान देवाक चिठी में उल्लेख कर। बर्षा छाड़ा पर कोरापुट को शीतर आगमन, शीतर आगमन में कोरापुट प्राकृतिक सौंदर्य हो आकर्षण और अनमना। सकाल कुहड़ी सांग को सबु जिमारे भरा पहाड़ आसह अलसी फुलर सूर्य पहली किरण एवं कोरापुट सौंदर्य को कर द्विगुणित। शीत दिन आसवा क्षणी सूर्यंर पहली किरण कोरापुटर प्राकृतिक सौंदर्य को सुवर्णमय कर बण पहाड़ घेरा कोरापुटर प्राकृतिक सौंदर्य वर्तमान पर्यटक मन मोहित कर लगी। प्राकृतिक सौंदर्य को उपभोग करने निम्ते कोरापुटे पर्यटकों भिड़ जमीवार लगी। ओडिशार भूस्वर्ग कोरापुट आखि जुआड़े बुलाइले सबुजिमा सबुजिमार पहाड़ मझेरे अलसी फुलर अपूर्व संभार सितुआ सकाल कुहुड़ीर पतला चादर सबुआड़े केवल नील आकाश कोरापुटर प्राकृतिक सौंदर्य को करुछि अधिक मनोलोभा। ए मनोलोभा प्राकृतिक सौंदर्य पाई केही केही कोरापुट को ओडिशार काश्मीर बोली मध्य कही थांते। सितुआ सकाल मजा नहीं थांते लोके के व्यायाम करी तो आउ के शीत दाउरु रक्षा पाइबा पाई लोके निया लगाई एठारे बसंती। एठारे सबु ऋतु ठारु नियार होउछि शीत ऋतु। शीत ऋतु तो शरीर को सुस्थ रखिबा पाई निहाति भावरे व्यायाम करिबा दरकार जोटा कि सार मैंने आसान देखिपे प्राय समस्ते 60 वर्ष ऊर्ध कि 60 पाखापाखि समस्ते किंतु समस्ते जो आग्रह सहकार आसुँच ये व्यायाम करने मो सहित मुझे शिखे मतलब भारी खुशी लगुच। सब प्रकार व्यायाम शिखा होम पादू धरिकी मुंड पर्यंत सब जिन स्ट्रेचिंग करुवपीढ़ी को मुझे कहवाक चाहिए देखो आजिकल एबोव 40 जो मैंने 40 वर्ष रु 40 कि 40 रु ऊर्ध जो मैंने निहाती भाव में किसी व्यायाम दरकार कितु युवपीढ़ी जो माने वर्तमान माने एक रकम अलसुआ ही सारे प्राय देखा गोले मोबाइल रे माति रोचे राति गोटे पर्यटन दुईटा पर्यटन मुझे उपदेश देवाक चाहिए
ଯେ ସେମାନେ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜର ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁଦିନ କିଛି କିଛି ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଶୀତର ଆଗମନରେ ଦେହ ଟିକେ ତ ଜାମ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଧରଣୀରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସଜ୍ଜିତ ହୁଏ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶିର ବିନ୍ଦରେ। ଆଉ ଆମର ଏଇ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଶୀତ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଠୁ କୋରାପୁଟର ଶୀତ ବହୁତ କିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଟିକେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଏଣୁ ଆମର ଏଇ କୋରାପୁଟର ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସକାଳୁ ଆମେ ଉଠିକରି ଏସବୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଟିକେ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ଶରୀର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇପାରୁଛୁ। ଅଳସୀ ଫୁଲ ରୂପରେ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଏଠି ସୁନାର ଓଢ଼ଣୀ ଦେଇ ବସିଛି, ଆଉ ପବନର ଟିକିଏ ସ୍ପର୍ଶରେ ଏହି ଫୁଲର ମହକକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ମହକି ଯାଉଛି। ଶୀତ ଆସିବା ପରେ ଏଠି ଜମିଥାଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଅଳସୀ ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭୋର ପର୍ଯ୍ୟଟକ କେତେବେଳେ ସେଲ୍ଫି ନେଇ ସ୍ମୃତି ସାଇତି ରଖେ, ତ ଆଉ କିଏ ଉପଭୋଗ କରେ ମହକକୁ। ଏଇ ଅଳସୀ ଫୁଲ ଯାକ ଦେଖିଲୁ ତ ସିନ୍ ଯାକ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତ ଫଟୋ ଫଟୋ ଟିକେ ନେବୁ ବୋଲିକି ରହିଲୁ ଏଠି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ଯେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବହୁତ ସିନ୍ ଯାକ ଅଛି, ବହୁତ ପିକନିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ଯାକ ବହୁତ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ବହୁତ ସିନ୍ ଅଛି, ତ ଫଟୋ ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠାଇବେ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିପାରିବେ। ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ କୋରାପୁଟ ଗାଁରୁ, ତ ଦେଖିଲୁ ବାଟରେ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଳସୀ ଫୁଲ ଅଛି, ତ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଟିକେ ଫଟୋ ଫଟୋ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେତିକି ଯେ କୋରାପୁଟ ବାହାରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, ଥରେ ଆସନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ, ଏବେ ପିକନିକ୍ ଫିକନିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଭଲ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଏଠି ଆସିକି ଫଟୋ ତା'ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କେତେଟା କରିଲୁ ଆଉ ମଜା ନେଲୁ ଟିକେ, ଆଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବହୁତ। ଶୀତୁଆ କାକରର ପତଳା ଚାଦରକୁ ଅଳସୀ ଫୁଲର ଅପୂର୍ବ ସମ୍ଭାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମୋହିତ କରୁଛି। କିଏ ସେଲ୍ଫି ନେଇ ମଜା ଉଠାଉଛି ତ କିଏ ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବସି ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ଯିଏ ବି ଯାଉଛି ଏଇ ବାଟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନ ଅଟକି ରହିପାରୁନାହିଁ। ଜୟପୁର ବରିଗମାରୁ ଅମ୍ରିତ ଖୋସଲା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।